और आज प्रभु श्री राम का जब जलाभिषेक किया गया, उसके बाद फिर दुग्धाभिषेक किया गया, तो वो तस्वीरें कैसी थी, वो तस्वीरें भी आपके सामने रख देती हूँ। आज सुबह 3:30 बजे से ही श्री राम जी के दर्शन करने के लिए दूर दराज से भक्त लगातार पहुँच रहे हैं। कोई गाड़ी से पहुँच रहा है, कोई ट्रेन से पहुँच रहा है, कोई पैदल भी यात्रा करके पहुँच रहा है, क्योंकि रामनवमी, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद, सोचिए जरा, 5 शताब्दियों के बाद यह अवसर आया था, तो कोई भी क्यों चूकना चाहता। और इसलिए जब दुग्धाभिषेक किया गया तो क्या दृश्य थे, वो अनुपम तस्वीरें भी आपके सामने रखती हूँ। जब आज रामलला का जन्मदिन है, चलिए इसको आप अपने ऊपर लेकर सोचिए, अगर आप भी माँ हैं तो आप अपने बच्चे को उसके जन्म के दिन सबसे सुंदर सजाना चाहती हैं, सबसे सुंदर रंग के वस्त्र उनके लिए निकालती होंगी, अच्छे से नहला धुला के उनका काला टीका लगा के आपके बच्चे को नजर ना लग जाए, ऐसी तैयारी करती होंगी। खाने में जो सबसे आपके बच्चे को प्रिय होता होगा वो आप थाल में सजाती होंगी। ये तो रामलला हैं, ये हमारे आराध्य हैं, ये सनातनियों के ईष्ट हैं, तो ये तो उत्सव होना ही था बड़ा विशेष। इसलिए जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के बाद फिर जब राम लला का श्रृंगार किया गया तो बड़े सुंदर वस्त्र उन्हें पहनाए गए, सोने के आभूषण पहनाए गए, पीतांबर रंग था, उसमें गुलाबी किनारियां थी। जरा देखिए कितना मनमोहक दृश्य था, एक तस्वीर उनके श्रृंगार की भी। बैठते सोते जहां समय मिल जाए आप प्रवास ये देखिए, रामलला का जब तिलक लगाया जा रहा था, रामलला का तिलक लगाते हुए ये तस्वीर आप देखिए, आंखों में काजल लगाते हुए, और शायद जो सलाई भी इस्तेमाल की जाती है काजल लगाने के लिए, वो सोने की होती है या चांदी की, सोने की फलाई से उनकी आंखों में काजल लगाया गया, उनका तिलक सजाया गया, उन्हें वस्त्र पहनाए गए, उन्हें आभूषण उनके सजाए गए। और जिस वक्त श्रृंगार किया जाता है उन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं आचार्य जी, शायद उस वक्त तो पटबंध होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल पटबंध होते हैं, भगवान के जब वस्त्र पहनाए जाते हैं तो पटबंध होता है, और उसके बाद जब श्रृंगार किया जाता है तब दर्शन कर सकते हैं। नहीं, श्रृंगार में भी जो है पटबंध होता है, श्रृंगार के बाद जब आरती होगी, आरती के बाद दर्शन होगा, यानी श्रृंगार तक पटबंध होते हैं, और जो श्रृंगार के बाद तिलक सजाया जा रहा है केवल उसकी तस्वीर आपके लिए है। कुछ मर्यादाएं हैं जो इसमें पालन की जाती है, आप उसे थोड़ा समझाएंगे चंद्रांशु जी। जब ठाकुर जी के विग्रह का निर्माण होता है और आचार्यों द्वारा जब उसमें वेद मंत्रों के वेद ऋचाओं ऋचाएं द्वारा अनेकाधिकवास के द्वारा जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, मतलब भगवान में भी प्राण की प्रतिष्ठा हो जाती, फिर वो मूर्ति निर्जीव नहीं सजीव होती है, तो ठाकुर जी का जो विग्रह है वह सगुण साकार रूप में है। हमारे अयोध्या के साकेतवासी पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज थे, यहाँ हम सब लोगों ने उनको सुना हुआ है, वो कहते थे कि एक दोष परिपूर्ण ब्रह्म में भी संतों ने देख लिया, क्योंकि हर समय सौलभ्य गुण रहता, हर समय जो परिपूर्ण ब्रह्म है वो आकर दर्शन नहीं देते, पर जो मंदिर के भगवान है वो सौलभ्य गुण होने के कारण परिपूर्ण ब्रह्म है, तो इसमें साक्षात भगवान है, इसलिए साक्षात ब्रह्म है तो उनके कपड़ा बदलने में, भोजन करने में, अन्य नियमों में अपने लोगों जैसे सारी मर्यादा को रखना होता है, इसलिए पुजारी जी ही केवल एकांतिक सेवा में रहते हैं, वाकी में मंगला श्रृंगार जब आरती होती है, शयन आरती होती है, तभी दर्शन होता है, नित्य सेवाओं में अन्य का प्रवेश नहीं है, वो लोग दर्शन नहीं कर सकते। और मैं फिर कहती हूँ कि ये कितना साइंटिफिक है, या फिर ये कितना आपके अपने घर से आप इसे जोड़कर देखिए। मैं फिर कहती हूँ, अगर आप भी माँ हैं तो आप भी अपने बच्चे का श्रृंगार करके ही फिर उसे बाहर लेकर आते हैं, ऐसा नहीं जब आप श्रृंगार कर रहे होते, जब नहला रहे होते हैं, उन्हें सजा रहे होते हैं, तब पूरे मोहल्ले वालों को आप अपने कमरे में बुला लेते हैं, ये ठीक
वैसे ही है, ये तो ब्रह्म रूप है। इनका जब श्रृंगार किया गया, रामलला जी को जब वस्त्र धारण करवाए गए, तब फिर आरती के वक्त भक्त उनका दर्शन करने के लिए पहुंचे। एक और तस्वीर अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। श्रृंगार हुआ उस वक्त राम जी कैसे दिखाई दे रहे थे। रामलला के हाथों में फिर सोने का धनुष और बाण दिया गया, कोदंडधारी कहा जाता है राम को। राम के हाथों में वो जब धनुष और बाण दिया गया, उस वक्त ये तस्वीर आप देखिए, उस वक्त विशेष आरती की गई। विधिवत श्रृंगार के बाद रामलला के शंख और घंटी के साथ आरती उतारी गई और दोपहर 12 बजे तो उस अभिजीत मुहूर्त के दौरान जब सूर्य की किरणें उनके ललाट पर पड़ी, तब क्या दृश्य था वो आपके सामने रखती हूँ। शोभा जो वहाँ की दीवारें हैं उन पर अलग अलग प्रकार की